हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना सरोजनी हॉल। मैंने रिसेंटली एक व्लॉग अपने चैनल पर डाला था, सरोजनी नगर व्लॉग, जहां पर मैंने मार्केट में जाके वीडियो शूट किया था एंड रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाया था कि वहां पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने भी वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है परचेज़ की थी, तो मैंने सोचा उसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि वो वाला वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना सरोजनी हॉल शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। मैंने वहाँ से कुछ क्लॉथिंग एंड एसेसरीज आइटम भी वहाँ से परचेज़ किए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप न्यू हैं, पहली बार आपने मेरे चैनल पर विजिट किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एसेसरीज़ दिखा देती हूँ जो मैंने वहाँ से परचेज़ की थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। प्राइस वगैरह जो भी होगा स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूँगी, बिकॉज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला जो मैंने लिया था वहाँ से, ये एक वेस्ट बेल्ट लिया था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पीछे इस तरीके की इलास्टिक है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड आगे इस टाइप से जो है बो वाला स्टाइल यहाँ पर बना के इन्होंने दे रखा है, तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर इस तरह से ये एक हुक टाइप का है, इसको ऐसे आप लगाएंगे तो बहुत इजीली जो ये लग जाएगा, एंड ये लगाने के बाद जल्दी से ओपन भी नहीं होगा। तो ये एक वेस्ट बेल्ट मैंने लिया था, इसको मेरे को कब से ख़रीदना था, बट ऑनलाइन इसका प्राइस मुझे थोड़ा हाई लग रहा था। तो पहला मेरा ये है प्रोडक्ट। देन नेक्स्ट मैंने वहाँ से परचेज़ किया था एक ये पॉकेट पर्स, एक वॉलेट जो कि बहुत अच्छा है, अगेन बहुत क्यूट सा है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न वहाँ देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर मुझे ये पता नहीं कौन सा पैटर्न, इसके ऊपर कौन सा कार्टून बना हुआ है। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग पैटर्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस तरीके का ये की रिंग जैसा भी इन्होंने कुछ लगा के दे रखा है, एंड इसके अंदर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट कार्ड्स वगैरह हैं, और या फिर आप अपनी ईयरफोन वगैरह या कॉइन्स वगैरह को जो है स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला पर्स, तो सेकेंड मैंने वहाँ से ये परचेज़ किया था। एंड अगेन जो प्राइस वगैरह है मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। उसके बाद मैंने लिया है वहाँ से ये हेड बैंड। ऑब्वियसली मुझे अपने मेकअप वीडियोस के लिए इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बालों को बहुत अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। तो ये एक मैंने हेड बैंड लिया है, इसकी जो प्राइस था 50 रुपीज़ में मुझे ये वहाँ से मिला था। ये जो है पूरा कपड़े का बना हुआ है, एंड बहुत अच्छा लगा। इसका स्टफ़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शीइन या क्लब फैक्ट्री वगैरह पे यही इस टाइप के आप हेड बैंड देखेंगे तो 150 या 200 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पर मुझे ये 50 रुपीज़ में मिल गया था। देन उसके बाद मैंने कुछ वहाँ से ज्वेलरी पीसेस किए थे, जिसमें पहला मैंने लिया था ये, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी आप देखेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस टाइप के, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। इनका प्राइस जस्ट 30 रुपीज़ था, एंड इनकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। देन नेक्स्ट अगेन मैंने एक ईयरिंग का सेट वहाँ से पिक किया, सेट नहीं सॉरी, एक ईयरिंग का पीस जो कि इस तरीके के जो फ्लोर वाले जो होते हैं ऐसे लेयर वाले ईयरिंग्स, ये भी सिल्वर में थे, सिल्वर ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में थे। ये भी अगेन बहुत ज़्यादा प्रिटी थे, इनका प्राइस 50 रुपीज़ शायद से था, एंड पहनने के बाद भी जो इनका लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये एक ईयरिंग मैंने वहाँ से परचेज़ की, इनकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ यू कैन सी। उसके बाद अगेन मैंने एक ये ब्यूटीफुल से ईयरिंग वहाँ से परचेज़ किए, एंड मतलब ये कौन सा पैटर्न है, एंड यार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में बेकार हूँ, मुझसे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता पैटर्न वगैरह, तो ये आप देख लो जो भी है। नीचे ये इस तरीके से टेसल इन्होंने लगा रखी है, ये भी अगेन 30 रुपीज़ के मुझे मिले थे। इनकी भी क्वालिटी प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। आजकल मुझे जो सिल्वर ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई है, मुझे थोड़ा शौक चढ़ा है आजकल इनको कलेक्ट करने का, तो ये जो है मैंने वहाँ से लिए थे, अगेन 30 रुपीज़ के, इनकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैंने वहाँ से लिया था एक चोकर, एक नेक पीस जो कि इस तरह का है, इसकी भी क्वालिटी आप पास से देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इसका प्राइस भी उन्होंने 250-300 रुपीज़ इसका प्राइस बताया था, बट मैंने बार्गेन करने के बाद इसको सिर्फ 80 रुपीज़ में वहाँ से परचेज़ किया। एंड यहाँ पर जो नीचे जो है इसमें इस तरीके से सिल्वर कॉइन्स इन्होंने लगा के दे रखे हैं, एंड मुझे आजकल ज्वेलरी इस टाइप की जो सिल्वर वाली जो ज्वेलरी होती है इसके लिए मैं आजकल थोड़ी ज़्यादा क्रेज़ी हुई हुई हूँ। मुझे इसके अंदर स्पेशली जो इनकी ये आवाज़ होती है ना, जो छन छन वाली आवाज़ होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे आजकल ये वाली ज्वेलरी कलेक्ट करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। एंड ये मैंने लिया है कोई अपना मतलब मेकअप लुक वगैरह मैं कुछ करती हूँ रिक्रिएट इंस्पायर्ड मेकअप लुक, तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है इस टाइप की ज्वेलरी की, एंड ये पहनने के बाद मुझे अच्छी लग रही थी। चोकर स्टाइल है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो ये मुझे जस्ट 80 रुपीज़ में मिला, बहुत अच्छे प्राइस में मुझे आई थिंक ये मिल गया। देन उसके बाद मैंने वहाँ से लिया है एक ये है नोज पिन, मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
ये है एक नोज़ पिन इस तरीके का, यहाँ पर एक स्टोन इन्होंने लगा के, एक छोटा सा स्टोन लगा के दे रखा है। एंड ये 60 रुपीज़ में मैंने वहाँ से लिया था। एंड ये भी मैंने कोई मेकअप लुक वगैरह में मुझे ज़रूरत पड़ती है, नोज़ पिन वगैरह मेरे पास कुछ इस टाइप का है नहीं, तो मैंने उसके लिए स्पेशली परचेज़ किया था। इसकी क्वालिटी सही है, ठीक ठाक है मतलब इसकी क्वालिटी। एंड मैं पहनने के बाद आपको दिखा देती हूँ कैसा लगेगा। मैंने इस टाइप का कभी कुछ कैरी किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैंने इस टाइप का कुछ परचेज़ किया है। एंड पता नहीं मेरे फेस पर ये कितना हद तक सूट करेगा, क्योंकि मैं इस टाइप की चीज़ें कभी नहीं कैरी करती हूँ, तो ये कुछ ऐसा लगेगा पहनने के बाद। एंड आई थिंक ठीक ही लग रहा होगा मेरे फेस पर, उतना ख़राब भी नहीं लग रहा होगा। तो एक मैंने ये नोज़ पिन वहाँ से परचेज़ किया है। सो या ये थी मेरी ज्वेलरी पीसेस, बस ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। उसके बाद जितना भी आपको दिखाऊंगी मैं सारा क्लॉथिंग आइटम ही है। देन उसके बाद एक ये जो था, एक इसको ड्रीम कैचर बोलते हैं, ये भी वहाँ से मेरी सिस्टर ने लिया था सरोजनी नगर से। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कलर पैटर्न्स मिलेंगे। इसको ड्रीम कैचर बोलते हैं। एंड कुछ लोगों का कहना है इसको आप लगाएंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कुछ लकी होगा, तो रूम में लगाना चाहिए, बट मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैंने जस्ट इसको अपने रूम में इसलिए हैंग किया है क्योंकि मुझे ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं इसको एज अ शोपीस की तरह देखती हूँ, मैं कुछ ऐसा फील नहीं करती कि इसको लगाने से कुछ अच्छा होता है या समथिंग। जो भी है मुझे लगा ये बहुत प्यारा है, इसके ऊपर जो पूरा हैंडमेड है। एंड इस तरीके की आपको सरोजनी नगर में इस तरीके की जो हैंडमेड चीज़ें हैं बहुत सारी देखने को मिलेंगी अलग अलग जगह पर। एंड जो भी इसका प्राइस है मुझे याद नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो बहुत ही प्यारा मुझे लगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया हुआ है बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बहुत प्यारा मुझे लगा, वॉल हैंगिंग स्टाइल में है। एक मैंने ये वहाँ से परचेज़ किया था। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ से मैंने क्लॉथिंग आइटम में क्या क्या लिया था। तो पहला टॉप ये ब्लैक कलर का है। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो इस टॉप को मैं ऑलरेडी एक बार ही कैरी कर चुकी हूँ। इस टाइप का पैपलम टॉप है एंड इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा थिक है, बिल्कुल भी समर्स के लिए अच्छा नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लग रहा था वहाँ पर, जब मैंने इसको लटका हुआ देखा तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये वाला टॉप मैंने वहाँ से लिया। इसकी जो स्लीव्स हैं इस तरीके की हैं, जो नेक है वो राउंड नेक है, फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा थिक है। प्राइस जो भी अगेन मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो पहला टॉप है मेरा ये। एंड उसके बाद जो अगला है वो भी एक वाइट कलर का बेसिक सा टॉप है, ये भी इस तरीके का, यहाँ पर आपको प्लीटेड टॉप मिलेगा। एंड ये जो डेनिम जीन्स होती है उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद। इसकी भी स्लीव्स थोड़ी सी ओपन ओपन सी हैं, आगे से थोड़ी खुली खुली सी स्लीव्स हैं। एंड ये बिल्कुल प्योर कॉटन में है तो ये समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेकंड टॉप है मेरा ये। एंड इसमें यहाँ पर जो वेस्ट साइड है यहाँ पर थोड़ा सा प्लीट्स इन्होंने ऐसे डिज़ाइन प्लीट्स से बना के दे रखा है, थोड़ा वाइट कलर ज़्यादा है, ऑफ वाइट कलर, तो शायद स्क्रीन पर उतना क्लियर ना दिख रहा हो, बट अच्छा लगता है ये पहनने के बाद, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बेसिक सा टॉप है, एक मैंने वहाँ से ये परचेज़ किया। उसके बाद मैंने वहाँ से एक ये रेड कलर का ग्राफिटी लेने है, वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर लेने है उनकी, वहाँ से ये रेड कलर का एक शर्ट लिया था। इसकी भी क्वालिटी अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर आप ये इन्होंने दे रखा है, आप इससे नॉट एक बांध के इसको अच्छा सा लुक दे सकते हैं। ये भी ब्लू डेनिम जीन्स के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, यहाँ पर आप इसको जो है टाई कर सकते हैं, नॉट बना सकते हैं। तो इस टाइप के शर्ट्स का वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन आ रखा था। तो नेक्स्ट मेरा ये परचेज़ है। एंड इसके साथ मैंने एक और वाइट शर्ट भी लिया है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद जो है एक ये वाइट कलर का शर्ट है, ये भी अगेन ग्राफिटी लेन से ही मैंने लिया था। एंड यहाँ पर भी अगेन जो है एक नॉट बांधने के लिए इन्होंने ये ऐसे कुछ डिज़ाइन दे रखा है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका भी पहनने के बाद। बिल्कुल प्योर कॉटन है, बहुत ही कम्फर्टेबल है, बिल्कुल समर्स अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल समर्स अप्रोप्रिएट है। आप समर्स के लिए आप इस टाइप का कुछ ले सकते हैं, अपने ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए। इस टाइप की शर्ट्स का कलेक्शन वहाँ बहुत अच्छा है। इसकी फैब्रिक की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है। एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, प्राइस आपको दिख ही रहा होगा आसपास स्क्रीन के। तो ये इस टाइप का इसका पैटर्न है। ये वाला जो शर्ट है मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद मैंने लिया था एक ये वाला टॉप। एंड ये मैंने लिया था एक शॉप से, शॉप नंबर वगैरह यार मुझे कुछ याद नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट में फिर से मत पूछना, क्योंकि मेरे सरोजनी नगर वाले ब्लॉग में बहुत लोगों ने मुझसे शॉप नंबर पूछा, बट मुझसे ये मिस्टेक हो गई। मैंने ब्लॉग शूट किया बट मैंने कहीं भी कोई शॉप नंबर ना तो उन लोगों से पूछा ना आप लोगों को बताया, बट नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ के लिए केयरफुल रहूँगी, तो मुझे शॉप नंबर कोई भी याद नहीं है। तो ये एक मैंने शॉप से लिया था, इसका भी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फ्रिल वाले टॉप जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, इस टाइप की यहाँ पर आपको नीचे फ्रिल मिलेंगी, स्लीव्स भी इस तरीके की फ्रिल वाली इसकी स्लीव्स हैं, अम्ब्रेला पैटर्न है, बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है। इसका जो फैब्रिक है वो है शिफॉन, मतलब ईजिली जो कि मिलता नहीं है मार्केट में अगर हम इस वाले फैब्रिक को सर्च करें। एंड इसका जो नेक है इस टाइप का है,
लेस वर्क से डिटेलिंग हो रखी है एंड यहाँ पर जो है प्रॉपर इस तरीके से लास्टिक इन्होंने पूरे टॉप में ऐसे नीचे नीचे लगा रखी है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारी बॉडी की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका लुक पहनने के बाद बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत प्यारा मुझे लगा, समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक टॉप मैंने वहाँ से ये लिया, देन उसके बाद मैंने एक ये लिया है वहाँ से, एक श्रग। श्रग मतलब इन दिनों समर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा, आप कोई भी मार्केट जाएंगे, मतलब सिर्फ सरोजनी नगर ही नहीं, आप कोई भी मार्केट में देखेंगे आपको श्रग्स बहुत देखने को मिलेंगी। तो एक बेसिक सा शर्ट है, मैंने ब्लॉग में भी ये वाला आपको दिखाया था, शर्ट नहीं सॉरी श्रग है, मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था। यहाँ पर आपको नीचे इस तरीके से यहाँ पर टेसल वाली एक लेस इन्होंने दे रखी है, ऊपर फ्लावर्स वाला प्रिंट है एंड ऐसे पोलका डॉट है। एंड पोलका डॉट आई थिंक कभी भी ऑफ फैशन नहीं होता, ये हमेशा इन रहता है, बहुत कॉमन सा इसका पैटर्न है। तो ये एक मैंने श्रग लिया है एंड इसका जो प्राइस है 150 रुपीज़ है। इसका भी जो स्टफ़ है बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने सारी चीज़ें आपको ड्रेसेस वगैरह पहनकर भी दिखाई हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ड्रेसेस पहनने के बाद इनका लुक कैसा आता है। देन उसके बाद मैंने लिया है एक ये ब्लैक कलर का शर्ट स्टाइल में एक टॉप है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इसका फैब्रिक जॉर्जेट में है, फुल स्लीव्स है इसकी, यहाँ पर भी आपको बटन यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल शर्ट पैटर्न है इसका। एंड आगे से आप इसको ओपन करके एंड अंदर कुछ ब्लैक कलर का अंदर इनर वगैरह डाल के भी इसको कैरी कर सकते हैं, आगे से आप इसको ओपन भी रख सकते हैं। ये इस तरीके का इसका कुछ पैटर्न है ब्लैक एंड वाइट कलर में। इसका भी स्टफ़ एंड फैब्रिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब कितना भी वॉश करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला इसका जो फैब्रिक है। एंड इसका प्राइस जस्ट 100 रुपीज़ था। तो जहाँ से मैंने ये लिया था, एक शर्ट इसके साथ मैंने और लिया था, ये दो शर्ट्स मैंने एक साथ पिक की थी। तो इसके साथ मैंने लिया था ये वाला शर्ट, ये भी अगेन पोलका डॉट स्टाइल में है एंड मुझे थोड़ा सा पोलका डॉट वाला जो पैटर्न है मतलब पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई नो बहुत ज़्यादा न्यू फैशन नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, बट मुझे ऐसा लगता है पोलका डॉट का जो पैटर्न है वो कभी भी आउट नहीं होता, वो हमेशा इन रहता है। तो ये इस तरीके की जो है पोलका डॉट स्टाइल में एक शर्ट है, अगेन यहाँ पर आपको बटन्स दे रखे हैं, आप इसको ओपन करके भी पहन सकते हैं, इसके अंदर इनर वगैरह कैरी करके, फुल स्लीव्स इसकी हैं। तो मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला पोलका डॉट वाला शर्ट। तो ये मतलब ये भी 100 रुपीज़ एंड ये भी 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ में यार बहुत ही अफोर्डेबल में मुझे ये मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों का स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है दोनों शर्ट्स का। उसके बाद मैंने लिया है ये शेयर टॉप, जिसको आप बोलते हैं लेस वाले टॉप, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, SN में तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये भी अगेन पैपलम स्टाइल में है, यहाँ पर आपको प्लीटेड थोड़ा सा प्लीट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर इस तरीके की जो है फ्रिल्स वगैरह इन्होंने दे रखी हैं। स्लीव्स अगेन इसकी इस तरीके की ओपन स्लीव्स हैं आगे से, तो बहुत अच्छा लुक इसका आता है एंड बिल्कुल शेयर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको कुछ स्पैगेटी या फिर इनर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी पहनने की। तो ये इस तरीके का टॉप है एंड ये बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। मतलब आपको इस टाइप के टॉप अगर वो 350-400 में बोलें तो मत लेना, अच्छी खासी इनके ऊपर बार्गेनिंग होती है, क्योंकि आप खुद सोचो उन्होंने 350 बोला, मैंने 150 रुपीज़ तक उनसे बार्गेनिंग किया, तो मुझे लास्ट 150 रुपीज़ में ये वाला टॉप मिल गया था। बहुत अच्छी डील है 150 रुपीज़ में, आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैंने कुछ गलत जगह पर इन्वेस्ट किया, मुझे ऐसा टॉप वैसे भी बहुत टाइम से चाहिए था। तो इसमें आपको कलर्स पैटर्न भी बहुत अलग अलग मिलेंगे, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। आप मेरा ब्लॉग देखना, सरोजनी नगर ब्लॉग, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके एक बार चेक ज़रूर करना। मैंने इस टाइप के टॉप वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखाए हैं अपने वीडियो में, मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे प्रमोशन कर देती हूँ, ऑब्वियसली यार अपने वीडियो का खुद ही प्रमोशन करूँगी ना। तो या ये मैंने एक वहाँ से इस टाइप का लेस वाला टॉप ख़रीदा है। उसके बाद लिया था ये एक डेनिम का जैकेट मैंने वहाँ से, एंड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने शॉप से लिया है, बाहर से नहीं है, क्योंकि बाहर जो डेनिम था उसकी मुझे क्वालिटी थोड़ी लो टाइप की लग रही थी। तो ये वाला एक डेनिम का जैकेट है एंड इसका भी प्राइस उन्होंने मतलब 400-350 बोला था, बट लास्ट उन्होंने वही 250 रुपीज़ इसका लगा दिया था। तो ये है एक डेनिम का जैकेट जो कि मैंने वहाँ से लिया था। बहुत ज़्यादा इसमें क्या एक्सप्लेन करना, मतलब डेनिम का जैकेट तो सबको पता होता है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। देन उसके बाद लास्ट है ना, देन उसके बाद लिया है ये एक स्कर्ट, आई थिंक ये लास्ट है मेरा, कुछ नहीं बचा इसके बाद, नहीं इसके बाद और कुछ है, थोड़ा बहुत और है। उसके बाद है एक ये स्कर्ट, ब्यूटीफुल सा स्कर्ट, एंड मुझे स्कर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग स्कर्ट्स जो होते हैं मुझे उनको पहनना बहुत पसंद है, लाइक सर्कुलर स्कर्ट एंड जो एथनिक टाइप की जो स्कर्ट्स होती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनको पहनना एंड ख़रीदना भी। तो ये एक स्कर्ट लिया, यहाँ पर आपको वेस्ट में इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, देन उसके बाद आपको इतना अच्छा खासा इन्होंने नीचे फ्लेयर दे रखा है, यू कैन सी वहाँ पर आपको इस टाइप की स्कर्ट्स जगह जगह ऐसे स्टॉल्स बाहर ही मिल जाएंगे। ये शॉप से नहीं लिया मैंने, बाहर से लिया था। इसका फ्लेयर अच्छा खासा है, आप देख सकते हैं, मतलब आई थिंक ये 4 मीटर के अंदर कम से कम बना होगा इसका, अगर मैं फैब्रिक देखूँ जितना मुझे आइडिया है। पीछे इलास्टिक इन्होंने दे रखी है, आगे से प्रॉपर वेस्ट इस टाइप से स्ट्रेट में है,
तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है। ये दूर से प्लाजो जैसा भी लगता है, जैसे इस टाइप के स्ट्राइप्स वाले जो प्लाजो होते हैं। तो बहुत अच्छा इसका स्टफ़ भी है, प्योर कॉटन में है बिल्कुल इसका स्टफ़। एंड थोड़ा सा भारी लगेगा क्योंकि कॉटन है ऑब्वियसली, तो भारी तो लगेगा। अंदर इस तरीके से इन्होंने कपड़ा भी इन्होंने लगा रखा है इसके अंदर, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको कलर्स के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैंने ये वाला कलर लिया क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी टॉप इजीली आप मैच कर सकते हैं, लाइक ब्लैक, वाइट, रेड, ऑफ वाइट, येलो, कोई भी कलर का टॉप इसके साथ इजीली जाएगा। तो मैंने दैट्स वाई ये वाला कलर पिक किया। तो ये स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लास्ट में वीडियो के देखना, मैंने इसको पहन के दिखाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था। नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ता, तो मैं इसको अपनी वीडियो में दिखाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स जो है एडिट कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ये मुझे 250 रुपीज़ में मिला था। एंड इसका जो पैटर्न है वो हाइलो टाइप का है, तो ये प्योर कॉटन में है, काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल है, पहनने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट वहाँ से लिया है ये प्लाजो। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक बार की परचेज़ की भी नहीं है, ये मेरी सिस्टर भी एक बार ही पहले गई थी एसएन, तो वहाँ से वो कुछ चीज़ें पहले पिक करके लाई थी, देन उसके बाद अभी रिसेंटली मैं गई थी, तो मैंने सोचा मैं दोनों बार का जो भी सामान है वो एक ही बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चीज़ें परचेज़ की थी। तो नेक्स्ट है ये प्लाजो, ये तो मतलब वहाँ का बेस्ट परचेज़ मुझे अभी तक का लगा। ये मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने ख़रीदा, ये उसी का ही है वैसे, मेरा है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। बहुत काश मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती जितना मैं फील कर रही हूँ। आप देख लो मतलब कितना ज़्यादा शाइनी, कितना ज़्यादा जो है शाइनी है, अंदर से इस तरीके से प्लेन है। एंड भाग कितना भी आप इसको मशीन वॉश कर सकते हो, हैंड वॉश कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा किसी भी, मतलब किसी भी एंगल से ख़राब नहीं होगा। वेस्ट में इतना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने यहाँ पर वेस्ट बैंड भी दे रखा है, इन्होंने अच्छी वाली बहुत अच्छी क्वालिटी की इलास्टिक वगैरह लगा के दी है। एंड यहाँ पर जो है इस तरीके की जो है प्लीट्स इन्होंने बना रखी है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वेस्ट में आप इसको बांधने के लिए इन्होंने ऐसे एक बेल्ट भी दे रखी है, सो दैट कि अगर आपका साइज़ थोड़ा सा लूज़ वगैरह है तो आप उससे टाई करके एक बहुत अच्छा सा बॉडी को लुक दे सकते हैं अपनी। बहुत प्यारा मुझे लगा। एंड प्राइस मुझे इसका भी याद नहीं है, बिकॉज ये मैंने नहीं, उसने लिया था, मेरी सिस्टर ने। तो बहुत प्यारा मुझे लगा, बहुत ही इसका अच्छा स्टफ़ है। मैंने इस टाइप का प्लाजो ऑनलाइन भी काफ़ी सर्च किया बट मुझे ऑनलाइन ये कहीं नहीं मिला, तो बहुत अच्छा है। इसका कलर जो है कुछ पाउडर ब्लू ग्रेइश टाइप का जो कलर होता है वो वाला कलर है, बहुत ही प्यारा मुझे ये वाला प्लाजो लगा। फिर उसके बाद मैंने ली थी कुछ बेसिक टीज, जिसमें कि ये मैंने 3 ली थी। एंड पैटर्न इनका सेम है, बस कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जल्दी आपको दिखा देती हूँ। तो पहला है ये रेड कलर का, इस तरीके का है, राउंड नेक है इसका। एंड इस तरीके की आप अगर आप कहीं ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ऑनलाइन का प्राइस मतलब 400 से 500 से नीचे तो कहीं नहीं दिखेगा, लाइक शीन या फिर क्लब फैक्ट्री वगैरह पे आप देखेंगे। देन उसके बाद है ये इस तरीके का पीच कलर का, इसका जो नेक है वो बोट नेक है, बहुत ही प्यारा लुक आता है इसको भी पहनने के बाद। डेली वेयर में, कैजुअल वेयर में, डेनिम के साथ ये बहुत अच्छे से जाते हैं, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। एंड थर्ड जो कलर है इसके अंदर वो ब्लैक कलर है। एंड इसका पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका जो पैटर्न है ये वाला वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। एंड ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर आल्सो, तो मुझे ये वाला तो पसंद आना ही था, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये मैंने क्लब फैक्ट्री पे देखा था, उस पर ये बिल्कुल प्लेन था, यहाँ पर ऐसे कुछ बटन वटन नहीं थे। 350 रुपीज़ में, वो भी उन्होंने सेल में लगा रखा था, सेल में मतलब वो मिल रहा है 350 रुपीज़ में। एंड वहाँ से मुझे ये तीनों तो नहीं, मैं सिंगल पीस आपको बताती हूँ, 150 रुपीज़ में तो ये वाला और ये वाला मुझे मिला था। एंड इससे पहले ये दूसरी शॉप से लिया था, वहाँ पर ये 130 रुपीज़ में मिल गया था। अब आप मतलब अंडर 150 में ये मुझे मिल गए, तो ये वाला ब्लैक वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ इस टाइप की ड्रेसेज होती है जो काफ़ी ज़्यादा ओपन होती है, तो उसके नीचे इस टाइप की बेसिक चीज़ वगैरह की मुझे तो काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। तो ये कुछ बेसिक टीज़ मैंने वहाँ से ली थी। सो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की, कुछ एसेसरीज़ थी एंड कुछ क्लॉथिंग आइटम्स थी। तो आई होप कि मैं कुछ भूली ना हूँ, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं जो जो मैंने सरोजनी नगर से परचेज़ किया था। सो या दैट वॉज माई टुडेज़ वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में रियली बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि जो इसके बाद मैंने क्लिप शूट किया है वो बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, जिसमें मैंने ये ड्रेसेज आपको पहन के भी दिखाई हैं। सो या दैट वॉज माई टुडेज़ वीडियो, आई रियली होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड यू गाइज़ कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जो कि मैं आपको यहीं कहीं मैंशन कर दूँगी अपनी इंस्टाग्राम आईडी। सो या दैट वॉज माई टुडेज़ वीडियो, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।
Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains. Freedom's ours to take. The sky. Here the wind crying.